पहले हमारा ये जो इंटरेक्शन था रिड्रेसल पब्लिक के ग्रीवेंसेस की, तो हमने एक इसको एक हायर लेवल पे एक्सेस टू द पब्लिक, और एक मेरे लिए जैसे मैंने बार बार पहले से भी कहा है कि मेरे लिए एक लर्निंग सेशंस होता है। ये एक्सेस देने पर जो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं उसकी एक एहसास होता है, और एक मैसेजिंग भी जाती है अपने पुलिस की कम्युनिटी में, अपने ऑफिसर्स और पूरी पुलिस की जो तंत्र है उसको भी एक मैसेजिंग जाता है एक्सेस की क्या इम्पोर्टेंस है। और ये बार बार जो मैं जगह जगह पे दोहराता हूँ कि कम्युनिटी के साथ हम पुलिसिंग करना चाहेंगे और कम्युनिटी की कंसेंट से करना चाहेंगे जहाँ तक संभव हो, जहाँ तक मुमकिन हो, इसका एक ये कंटिन्यूएशन है। साथ में मुझे मौका मिल जाता है हमारे जो पुलिस के जो मार्टियर्स फैमिली है उनके साथ इंटरेक्शन करने के लिए, पुलिस के कुछ और फैमिलीज होते हैं उनके और मसाइल होते हैं उसको समझने के लिए और उसको हल करने के लिए एक मौका मिल जाता है। तो ये कुल मिला के आवाम की जो कंप्लेंट्स हैं, ग्रीवांसेस हैं, इश्यूज हैं उसकी जानकारी और उसको हल करने के लिए एक कोशिश, और अपने पुलिस के जो एहलकार हैं, जो बातायद हैं, जो पर्सोनल हैं उनका फैमिलीज़ की जो कठिनाइयाँ हैं, जैसे अभी बैठे बैठे किसी ने कहा कि साहब घर में घरवाला जो है उसकी फोत हो गया है, बच्ची के लिए हम MBBS की प्री कोचिंग लेना चाहते हैं, तो इस तरीके ये मेरे लिए जानकारी होती है कि मेरी वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए अच्छा ये भी एक रिक्वायरमेंट, इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से हम दे सकते हैं, तो ये सिलसिला है, इसी का एक कड़ी है। डीजीपी सर, इट इज यील्डिंग वेरी ह्यूज डिविडेंड सर, एंड नाउ सर यू आर हेडिंग टुवर्ड्स अ न्यू इनिंग्स सर, रिगार्डिंग द अमरनाथ यात्रा एंड द सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ दिस ओवरऑल इलेक्शंस। ऐसा है कि हम सब लोग जो है इस बात पर हमें एक सेटिस्फेक्शन है कि इलेक्शंस जो है पूर्व अमन हुआ और इसमें वोटर्स की टर्नआउट जो है वो हाई रहा, और ये एक अच्छी आगाज़ है, और हम चाहेंगे कि इसका जो पॉजिटिव बेनिफिट है वो आगे ये एक ट्रिगर करे एक सिक्योरिटी की एक वर्चुअस साइकिल को आगे लेने में, यानी कि पीछे की तरफ ना हो ये आगे की तरफ बढ़े, क्योंकि हमारी बुनियादी तौर पे ये है कि अगर अमन रहेगी तभी इलेक्शंस हो पाएंगे, अगर डर नहीं रहेगा तभी लोग फ्रीली वोट कर पाएंगे, अगर खौफ नहीं रहेगा तो बंदा इलेक्शन में खड़ा होने का ज़रूरत करेगा, नहीं तो अगर खौफ रहेगा चाहे किसी भी साइड से फिर आम आदमी जैसे आप हैं मैं हूँ, मतलब मैं अपने को इसीलिए कह रहा हूँ कि कल जब मैं वर्दी से बाहर चला जाऊँगा या कहीं जहाँ पे मैं यहाँ DG हूँ जहाँ नहीं हूँ वहाँ पे तो मैं एक आम नागरिक हूँ, कल अगर मैं ज़रूरत करूँगा कि मैं भी इलेक्शन लड़ूँ या वोट डालूँ तो उसके लिए एक बगैर खौफ वाली एक माहौल बननी चाहिए, उस माहौल को कैसे हम बरकरार रखना चाहेंगे उसके लिए हमें इस चीज़ की फिक्र है, और हम उसको मेंटेन करने के लिए कभी कभी हमें उस चीज़ को लेकर पत्थर भी पड़ते हैं, पर हमें इस चीज़ की एहसास है कि चीज़ों को दुरुस्त रखने के लिए, सड़क को शांत रखने के लिए, एक बेखौफ माहौल को बनाने के लिए हमें कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। सर, एनी मैसेज टू द मासेस, सर एनी मैसेज टू द मासेस एंड द पुलिस डाउन द लाइन्स। सी द मैसेज फ्रॉम ए पुलिस ऑफिसर बी ऑफ व्हिच एवर रैंक ही इज ऑलवेज दिस दैट प्लीज एक्सेप्ट दिस, we have to be tough against some people, police by definition is law enforcement। aap mere se aaj is waqt baat kar sakte hain kyunki aapko patrav nahi tha, aap aaye mere paas timely, aap aaye, aap jab jayenge aapko ummeed rahegi ki aap ghar mein pahunchenge, beech mein aapko khalal nahi padegi, aap kisi tarike ki pareshani mein nahi aayenge, achanak kahin kis jagah pe phasenge nahi, koi aapko rokega nahi, tokega nahi, mare, तो उस माहौल को बनाने के लिए हमको कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है सर, रिसर्च और वो कार्रवाई जब हम करते हैं हम इस बात का भी एहसास रखना चाहते हैं कि हम ट्रैफिक एक्सीडेंट को मर्डर नहीं बनाना चाहते हैं, जिसका जो गुनाह बनता है उसी गुनाह के हिसाब से हम चलना चाहते हैं, पर हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होने के नाते लॉ को तो एनफोर्स करेंगे ही, तो इसमें हमें मदद चाहिए, इसमें लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए, और लोगों का पूरा सपोर्ट मिल भी रहा है हमें,
इस बात का भी हमें एहसास है जी कि हम एक टेररिज्म जो रेजिडेंट टेररिज्म से हम फॉरेन टेररिज्म की तरफ जा रहे हैं। रेजिडेंट टेररिज्म का मतलब हो गया कि हमारे अपने लड़के जो तादाद में जो है शामिल होते थे वो कम होने लगा है। हमारी ये कोशिश रही है कि कम्युनिटी के साथ मिलके हम ये पहले तय करें कि कोई इनमें दाखिल ना हो, तो कोई किसी माँ की, किसी बहन की, किसी भाई की, भाई जो है या बेटा या खामद जो है इसमें शामिल ना हो, इसकी जान बची रहे। और जब इस तरीके का कोई भी रिक्रूटमेंट होता है, हमारा पहला ये कोशिश रहती है कि गया क्यों, उसको कैसे रोका जाए। तो उस जो कोशिश है उसकी वजह से आज आप देखेंगे कि तादाद में कम हो गया है। जब तादाद कम हो गया है तो जानें बच रही हैं, तब जानें बच रही हैं तो घर आबाद रह रहा है, जब घर आबाद रह रहा है तो वायलेंस कम हो रहा है। हम ये चाहेंगे कि ये किसी के घर ना टूटे, कहीं पे भी किसी के घर के आंगन में कोई भी किस्म की बातमदारी ना हो। अब फॉरेन टेररिज्म है, अब आज के दिन में 70-80 लोग आ गए हैं, वहाँ से आते हैं, वो बराबर कोशिश करते हैं आने के लिए। जब आते हैं वहाँ से बंदूक लेके आते हैं, आईडी लेके आते हैं। पिछले दिनों में उन्होंने इलेक्ट्रिक के खंभा उड़ाने की कोशिश करी, तो इलेक्ट्रिक खंभे से तो हम सब लोगों को बिजली मिलती है, आपका बिजली को, आपको भी बिजली मिलता है, आपके टेलीफोन भी उसी से चार्ज होता है। तो वहाँ से लोग पैसा तो लेके नहीं आते हैं, मेडिसिन तो लेके नहीं आते हैं, नौकरी तो नहीं लेके आते हैं, अस्पताल तो नहीं लेके आते हैं, आते हैं बंदूक लेके आते हैं। तो मेरा तो ये गुजारिश रहेगा कि वहाँ आने के बाद जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, चंद लोग हैं, घर में रखने की कोशिश करते हैं, उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में उनको मदद करते हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं, हम मजबूर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, सख्त कार्रवाई करने के लिए, ताकि बाकी लोग बचे रहे।